स्वागत है आपका उत्तराखंड दिन भर में। आइए डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर एक नजर। कैंट विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के लिए बनी चुनौती, पार्टी में क्षेत्र के दो दो नेताओं ने पेश की दावेदारी। एक तरफ सीएम के सलाहकार राजीव जैन ने तो दूसरी तरफ नवीन जोशी ने कैंट टिकट के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की। नोटबंदी के खिलाफ आज महिला कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश में कांग्रेस भवन में शक्ति प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। विरोध में महिलाओं ने थाली चम्मच लेकर पीएम मोदी से नोटबंदी को वापस लेने की बात कही। वहीं चंपावत में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नोटबंदी के खिलाफ एक आंदोलन किया, जिसमें थाली बजाकर ही मोदी के खिलाफ विरोध जताया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी से नोटबंदी का फैसला वापस लेने को कहा और उनका आरोप है कि नोटबंदी के बाद से जनपद में संकट आ चुका है। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन के पहले हिमपात के दूसरे दिन बड़ी तादाद में पर्यटकों का हुजूम मसूरी धनौल्टी की ओर निकल पड़ा, जिस कारण शहर के सभी मार्गों पर काफी जाम रहा, जिससे सैलानियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं मसूरी में बढ़ती भीड़ को देखकर पुलिस ने यातायात मार्ग का रुख बदलकर जाम खोलने का प्रयास किया। चंपावत में 10 ग्राम चरस के साथ एक युवक पकड़ा गया है। जिले में सूखी ढांग क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को 910 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। युवक चंपावत के सूखी ढांग बयाला क्षेत्र का रहने वाला है और पुलिस द्वारा युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत चलती चौकी में मामला दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया गया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। राज्य की तमाम खबरों को आप देख सकते हैं देवभूमि न्यूज.com पर।